Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to discuss about the most important questions and which are repeated most of the time in CTET paper 2 science. ये question mostly जैसे आपको always पता ही है कि मैं सिर्फ वही questions लेके आती हूँ जो previous year में repeated होते हैं, ताकि आपको कुछ फालतू ना पढ़ना पड़े, जो आपको to the point हो वही आपको पता हो. So let's start with the first question. तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो डाली है एक दो इसकी, उसमें भी क्वेश्चंस हैं, वो भी ध्यान से कर लेना आप अपने एग्जाम के लिए. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ फोर्स. इनमें से कौन सी, नॉट पूछा गया, इनमें से कौन सा फोर्स नहीं है? न्यूटन, अट्रैक्शन, फ्रिक्शन, अबव ऑल तो नहीं होगा. फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स. अट्रैक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट जो न्यूटन है वो कोई फोर्स नहीं है. ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वेंट की थी. तो नॉट अ फोर्स, कौन सी नहीं है फोर्स, वो है न्यूटन. नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन. डैश इज द डिवाइस. डैश पूछा गया कि कौन सी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करती है बिल्डिंग को लाइटनिंग इफेक्ट से, मतलब जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेगी लाइटनिंग से. जब एकदम से थंडर आता है, कई बार बिजली कड़कती है, तो वो लाइटनिंग इफेक्ट हो जाता है ना कई बार, तो कौन सी चीज़ उसको प्रोटेक्ट करती है? सबसे पहले डिस्चार्जिंग कंडक्टर, नो, वो तो डिस्चार्ज करने की हेल्प करता है. स्टोरेज, नो, इट इज यूज फॉर स्टोरिंग. सेफ्टी कंडक्टर, नो. लाइटनिंग है तो आंसर इसका क्या होगा, लाइटनिंग कंडक्टर ही हमें उस चीज से बचाता है, उस बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाता है. कौन बचाता है? लाइटनिंग कंडक्टर. नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन. द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स. जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसकी जो मूवमेंट वाली स्टेज है वो क्या चीज़ बताती है, या कौन सी चीज़ उस मोशन को डिस्क्राइब कर रही है? स्पीड हो सकता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पीड तो होगी उसकी. फिर डायरेक्शन, ये भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन भी होगी उसकी कोई पर्टिकुलर. दोनों चीज़ें हैं तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन. कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है, कोई यहाँ पे पड़ी है, मूव कर रही है, तो क्या है, उसकी स्पीड तो है ही कि वो मूव कर रहा है, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी है कि वो किधर को मूव कर रहा है. तो इसका सही आंसर क्या है, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन. Now comes the fourth question. The process of depositing a layer of zinc on iron is called. जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी आयरन की चीज़ होती है, लोहा होता है, कई बार क्या होता है उस पर जंग लग जाता है. तो जब उस पर जंग लग जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं. और उस चीज़ को जब हम बचाते हैं, जंग से बचाने के लिए उस चीज़ को करोजन बोलते हैं, राइट? तो उस टाइम क्या होता है कि जो आयरन की जैसे कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ है आयरन की है ये सारी, तो हमने क्या किया, इस पे जंग ना लगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जिंक का पेंट कर देंगे, जिंक से इसको पेंट कर देंगे ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे. तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि जब हम आयरन को जिंक से ढक देते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को, क्रिस्टलाइजेशन, नो, ये तो क्रिस्टल्स डिपॉजिट करने के काम आता है. डीकम्पोजिशन, नहीं, डीकम्पोजिशन तो टूटना होता है. नाउ कम अर्थिंग. अर्थिंग तो नहीं होता, वो तो अर्थ से रिलेटेड हो गया. तो डिपॉजिट करनी है लेयर, इसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन. जब भी आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ानी है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैल्वनाइजेशन. उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन आइंस्टीन. ये याद रखना, ये 2014 में ये क्वेश्चन आया था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट आता ही आता है, इसको तो रट्टा मार के चले जाओ तुम. क्या है कि जो आंट है, चींटी होती है, उसका जो डंक होता है, स्टिंग होती है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इसका सही आंसर है फॉर्मिक एसिड. चींटी के डंक में कौन सा प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड. ऑक्सैलिक नहीं होता, एसिटिक नहीं होता, एस्कॉर्बिक नहीं होता, सीधा इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड. Now comes the sixth. The hotness of an object can be measured by its. ये तो बच्चे को पता है कि आप जैसे डेफिनेशन भी करते हो कई बार, तो उसमें भी दिया होता है
द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस. तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं. वॉल्यूम तो नहीं होगा कि हॉटनेस मेजर करनी, तो वॉल्यूम का तो कोई काम नहीं है. साइज भी नहीं होगा, उसकी डेंसिटी भी नहीं होगी. तो इसका आंसर सही क्या है, टेम्परेचर. जब भी बॉडी की हॉटनेस, जब बुखार होता है हमें, बॉडी हमारी गर्म होती है, उस टाइम जब मेजर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर, या थर्मामीटर भी आ सकता है यहाँ पे. नाउ कम्स द नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड. वही जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि जब किसी चार्ज को आपने ट्रांसफर करना है एक बॉडी से अर्थ में, ट्रांसफर करोगे उस चार्ज को, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरिंग बोलते हैं. नो, ट्रांसफरिंग तो किसी भी चीज़ की हो सकती है. प्रोसेसिंग, नो, चार्जिंग भी नहीं बोलेंगे. अर्थ से कनेक्ट करना है उस चार्ज को, तो क्या होगा, वो अर्थिंग होगा. जब किसी चार्ज को डिपॉजिट करते हैं अर्थ में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अर्थिंग. नाउ कम्स एट क्वेश्चन, ओम्स लॉ डिफाइंस. ओम्स लॉ तो आप सबको पता होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है. तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर होता है, ये भी हमें पता है. वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या होता है, करंट होता है, और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस होता है फ्लो ऑफ करंट को रोकना, राइट. तो इसने बोला है कि कौन सी चीज़ बेस्ट उसको डिफाइन कर रही है ओम्स लॉ को. इलेक्ट्रिक करंट, नो, सिर्फ करंट तो नहीं है. इलेक्ट्रिक प्रेशर, प्रेशर का तो कोई काम ही नहीं है इसमें. दोनों इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर, नो, प्रेशर दोनों इलेक्ट्रिक करंट नहीं है इसमें. इसमें क्या बात हुई है, रेजिस्टेंस की. क्योंकि मोस्टली करंट में क्या आता है, ओम्स लॉ में क्या डिस्क्राइब किया जाता है, रेजिस्टेंस. आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. तो इसका सही आंसर है रेजिस्टेंस. नाउ कम्स द नाइन्थ, द पोलियो इज कॉज बाय. पोलियो आप सबको पता होगा, पोलियो कैसे कॉज होती है, बैक्टीरिया से तो नहीं होती, ना प्रोटोजोआ से होती है, ना फंजाई से होती है, ये होती है वायरस. पोलियो एक वायरस है. तो इसका सही आंसर है वायरस, फोर्थ ऑप्शन. नाउ कम्स द लास्ट, स्मॉल ओपनिंग इन द लीव्स आर. जो लीव्स में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं. जैसे कि ये हमारी लीफ है, कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनेगी बट लीफ है, ठीक है. तो जो लीव होती हैं ये हमें सबको पता है कि जो ये पॉइंट होता है इसको हम वेंस बोलते हैं. ये जो लाइंस होती हैं उसको वेंस बोलते हैं. ये जो मिडल वाली लाइन होती है उसको मिडरिप बोलते हैं. और जो फोटोसिंथेसिस, तो सारा का सारा वही प्रोसेस होता है. तो और यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं ना लीफ के बीच में, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उसको हम स्टोमा बोलते हैं. तो वही चीज़ उन्होंने पूछी है कि वो जो स्मॉल ओपनिंग है लीव्स में उसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं, नहीं ये स्मॉल ओपनिंग तो नहीं हुई, ये अभी डायग्राम में बता दिया. मिडरिप बोलते हैं, नहीं ये तो मिडल लाइन को मिडरिप बोलते हैं. स्टोमा, स्टोमा हो सकता है क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो सारा प्रोसेस होता है जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं प्लांट्स, राइट. तो इसका सही आंसर क्या है, स्टोमा. आई होप टुडेज वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगेन आई एम सेइंग दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.